रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। बच्चों मेरे को बारिश इतनी अच्छी लगती है, मैं बहाने ढूंढती हूँ कि शायद कहीं कभी बाहर टॉवल रह गया हो या कोई और सामान रह गया हो, बहाने से सुबह न्यूज़पेपर लेने जाऊँ और बारिश की बूंदों में भीग जाऊँ। मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगता होगा। इतनी गर्मी थी और गर्मी के बाद नाउ वी आर फीलिंग रिलैक्स, बारिश इज देयर। एक जोक मैंने सुना, कहते पंजाबी च कहते ने रब्बा रब्बा मी वर्षा सादी कोठी ताने पा, इंग्लिश में कहते हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन सम अदर डे। तो आज लगता है किसने पंजाबी में बहुत जोर जोर से पोएम गाई है, तभी हनुमान जी इतनी अच्छी बारिश दे रही है। तो चलिए जी, इन ठंडी ठंडी बूंदों में शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और वी आर गोना स्टार्ट द प्रोग्राम टिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल बारिश में। माय चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था कि मैं जुडो करती रही हूँ। जब हम जुडो करते हैं तो हमारी एक वेट कैटेगरी होती है, जैसे माय वाज 47 बिफोर मैरिज व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो हमारे जो आई कार्ड होता है उसके ऊपर जब हमारा ट्रायल वेट होता है तो उसके ऊपर लिख देते हैं कॉम्पिटिशन से पहले, और अगर आपका 200 ग्राम या 300 ग्राम वेट ज़्यादा है तो आपको ट्रैक सूट डलवा के, आपने अगर GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी देखी होगी तो उसके बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, तो उस पर 3-4 चक्कर लगवाए जाते हैं और खूब सारी स्वेटिंग होती है, पसीना जाता है और हमारा वेट बैलेंस हो जाता है। जिसका 200-300 ग्राम कम आ रहा होता है उसको क्या करते हैं, उसको बनानास खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बनानास खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, 200-300 ग्राम तो वेट ऐसे ही बढ़ जाता है। अब आपको बताती हूँ मैरी कॉम के साथ क्या हुआ। पोलैंड में सिलेसियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट था, तो मैरी कॉम का वेट कैटेगरी था 48 मगर उनका शो हो रहा था 50, तो अभी उनको 2 किलो वेट कम करना था। 1 घंटे में मैरी ने इतनी एक्सरसाइज की, इतनी रनिंग की कि उनका 2 किलो वेट 1 घंटे में कम हो गया और उन्होंने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया एंड वॉट she won the gold medal in 2018. इसे कहते हैं where there is will there is way. So आप भी determination रखिए, वेट क्या आप अपने टेंशन, अपने डर और अपने फोबिया को भी कम कर सकते हो, बस चाहिए दिल में हिम्मत। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम भी नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आपको एक स्टोरी बनाती हूँ जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ एक लेडी उमा की, जिसे कि जोमैटो की तरफ से डायमंड मेंबर का अवार्ड दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि पिछले 15 सालों से जब से वो काम कर रही हैं डिलीवरी का, पहले किसी और एजेंसी में थी, अब जोमैटो के साथ हैं पिछले 7-8 साल से, वो कभी भी लेट नहीं हुई अपने काम पे, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, कभी उनकी कोई डिलीवरी लेट नहीं हुई, कोई पेंडिंग नहीं रही। एंड वॉट वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? शी लॉस्ट हर हस्बैंड 15 years ago. शी वॉज ऑल अलोन विथ हर ओनली सन, एक ही बेटा है उनका। और उनकी रूटीन पता क्या है? सुबह 5 बजे उठना, बेटे को उठाना, उसको अपने घर से 15 किलोमीटर दूर क्रिकेट अकेडमी में छोड़ के आना अपनी एक्टिवा या बाइक पे, उसके बाद वापस आना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये सब करने के बाद बेटे को वापस लेके आना। वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करता है, पहले स्कूल जाता था, उसको स्कूल छोड़ के आना, फिर पूरे 12 बजे अपनी ड्यूटी पे जोमैटो ऑफिस पहुंच जाना, 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे से रात को 11 बजे तक अपनी ड्यूटी करना। एंड इन वन डे शी यूज टू ट्रेवल अराउंड 250 to 300 किलोमीटर्स। एक दिन में वो 200-300 किलोमीटर अपनी जो बाइक है वो ड्राइव कर लेती हैं, और इतनी डेडिकेशन, कोई छुट्टी नहीं और मुंह पे कोई गुस्सा गिला नहीं। मैडम उमा, मैडम प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दो, मैं बीमार हूँ या मुझे जाना है, मेरी डिलीवरी दे दो, तो वो मना नहीं करती किसी को भी। और देखिए इस सब का उनको मुआवजा क्या मिला, दैट शी गॉट द डायमंड मेंबरशिप, डायमंड मेडल अवार्ड फॉर हरसेल्फ। देखिए उनके बच्चों को, उनका जो बेटा है उसको कितनी खुशी हुई होगी अपनी मम्मा की इस अचीवमेंट पे। तो आइए ऐसी लेडीज की हिम्मत बढ़ाएं,
उनको ताकत दें, उनको शक्ति दें, उनको ब्लेसिंग्स दें कि वो अपनी मंजिल तय करती जाएं और किसी पर बोझ ना बने, अपने कंधों पे अपनी हर जिम्मेदारी उठा सके। आपको एक मजेदार किस्सा बताती हूँ। आज से 3-4 साल पहले हम लोग पालमपुर और इधर सारा घूमने गए थे, भीड़बलिंग नॉर्डलिंग। तो जोगिंदर नगर की बात है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सामने एक फैमिली बैठी है। एक बुजुर्ग आंटी हैं, एक अंकल आंटी हैं, उनके शायद बहू और बेटा और उनके एक पोता पोती। और जब वो आकर फैमिली बैठी, आंटी बेचारी बड़े शौक से वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रही हैं कि जी परौंठे ले आ दो, सानू दही ले आ दो, सानू मक्खन ले आ दो। एंड शी वॉज क्वाइट बिजी इन ऑर्डरिंग द थिंग्स। और उनके जो चारों फैमिली मेम्बर्स हैं, दे वर सो बिजी इन टाइपिंग, दे वर सो बिजी इन चैटिंग, दे वर सो बिजी इन वॉचिंग वीडियोज और सेल्फीज। तो बेचारी आंटी ऑर्डर प्लेस करने के बाद चुपचाप बैठी हुई हैं। मतलब मुझे इतनी हैरानी हुई कि काहे की आउटिंग हुई भाई, अगर आप तो सिर्फ अपने मोबाइल में ही घूमो, बाहर जाके भी अगर मोबाइल में ही लगना है तो इससे अच्छा घर बैठो। वो आंटी तो बेचारे बोर हो रहे थे क्योंकि वो टेक्नो से भी नहीं थे। अब आपको बताती हूँ, आशा भोसले जिन्होंने गाना गाया था पिया तू अच्छा, और बड़े मेलोडियस सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं। आशा भोसले एक बार बागडोरा से कोलकाता तक एक ट्रिप पे थी, बहुत सारे ट्रूप के साथ, बहुत सारे उसमें सिंगर्स थे, म्यूजिशियंस थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। आशा भोसले के साथ सुदेश भोसले भी उसमें थे। और एक पिक्चर दिखाई है आशा भोसले ने नेट पे शेयर की कि आशा भोसले ऐसे बैठे हैं और सारे अपने मोबाइल पे लगे हैं, और आशा भोसले उसको कैप्शन क्या दी है, बागडोरा टू कोलकाता, वंडरफुल पीपल एंड वंडरफुल ट्रूप बट एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन फोन, थैंक यू मिस्टर ग्राहम बेल। ओ माय गॉड, क्या शायर है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो और ऐसा हसीन मौका है, स्पेशली ऐसी बारिश है, पकौड़े खा रहे हो तो पकौड़े खाओ ना, बातें करो, चिट चैट करो, मेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ, मगर फोन पे लगे रहना इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। सो फोन को रखिए साइड में और मौसम को कीजिए एंजॉय। मनोज जरा इधर लेके आओ मोबाइल, मैंने भगवान जी को शिकायत लगवानी है। भगवान जी, ओ भगवान जी, आप बड़े खराब हो, आप इतने खराब हो ना कि आज मेरे ना आपसे मतलब गुस्सा करने को, झगड़ा करने को दिल कर रहा है। हैदराबाद में क्या हुआ, एक गरीब बेचारा सब्जी बेचने वाला, उसने अपने एब्डोमिनल का, अपने पेट का कोई ऑपरेशन करवाना था, कोई सर्जरी करवानी थी। उस बेचारे ने कितने सालों से पाई पाई जोड़कर 2 लाख रुपए इकट्ठा किया और अपनी अलमीरा में रखा हुआ था, पर पता नहीं कहाँ से चूहा आया और वो 2 लाख रुपए उतर गया। और जब बंदे ने खोला तो उसको तो हार्ट अटैक ही हो गया, यार मैंने इतनी मेहनत से पैसे जोड़े और वो कहाँ चले गए, मतलब ऐसे ही अब कोई बैंक थोड़ा वो पैसे लेगा, कुतरे हुए पैसे, वो बंदा क्या करेगा। भगवान जी आप मेरे को बताओगे ऑपरेशन कैसे करेगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हो ना तो प्लीज़ 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 कोई ऐसा रास्ता भी खोला करो ना जिससे उस बंदे की हेल्प हो सके। एंड आई होप कि उस बंदे की जो सोशल नेटवर्किंग पे इतनी चल रही है, ये वीडियो वायरल हो रही है, कोई अच्छे लोग, कोई भले मानस लोग, कोई एनजीओ वाले उस बंदे की ज़रूर हेल्प करेंगे। और मैं सच्ची दुआ करती हूँ, मैं सच्ची प्रेयर करती हूँ कि उस बंदे का ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाए। और चूहो प्लीज़ अपना काम ऐसे नोट मत खाया करो, ऐसे किसी को दुख मत दिया करो। भगवान जी आपने उस बंदे की हेल्प करनी है। ओके डन। हाय डियर चिल्ड्रन, आपको पता है आज हमारे स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस दी कि आप छोटी छोटी सी बोट्स बनाओ, अम्ब्रेला बनाओ। तो क्या क्राफ्ट वर्क किया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आइए देखते हैं। हमारे कुछ बच्चे इतने सेंसिबल हैं,
कि वो डॉक्टर्स, नर्सेज और जितना भी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके कोविड के दौरान किए गए एफर्ट्स को बहुत एक्नॉलेज करते हैं। हमारे कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक बड़ी प्यारी वीडियो बनाई है एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर दैट वीडियो विद ऑल ऑफ यू। लेट्स वॉच। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बच्चों, आप इस पानी के लिए तरसो ना, आप उन कश्तियों के लिए तरसो ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर से बाहर निकलो, अपने बरामदे में आओ, छोटी छोटी सी बोट्स बनाओ और बाहर जाके एंजॉय करो। और जो मेरे सीनियर बच्चे हैं, आप बारिश में जाओ, ये जो छोटी मोटी जो स्किन डिजीजेज है ठीक हो जानी है, थोड़ी दौड़ लगाओ, थोड़ा फुटबॉल खेलो, थोड़ा कुछ मस्ती करो जाकर बारिश में, क्योंकि ये मौसम की सौगात है और इसको अभी एंजॉय करना है। ठीक है, चलिए मैं भी बारिश में जा रही हूँ, आप भी बारिश में जाइए, कल फिर मिलूंगी। ठीक है, बाय।